नमस्कार साथियों, आज आपको बताने वाले हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अगर हम लोग किसी को देते हैं ताकि वो हमारे प्रोजेक्ट में या हमारे आइडिया में या हमारे कंसेप्ट में इन्वेस्टमेंट करे तो क्या 7 पॉइंट को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिक्वेंशियली इस 7 पॉइंट को अगर आप कवर करते हो अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में तो आपके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को आराम से परसुएंस मिलेगा, उसको देखेंगे लोग, और अगर आप इसी सिक्वेंस से चीज़ों को लिखते हैं तो उनको समझने में आसानी होगी और आपके प्रोजेक्ट में जितनी ट्रांसपेरेंसी है और जो भी पॉजिटिव चीज़ है वो ज़रूर समझेंगे और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे किसी तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला पॉइंट है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट। इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सोचा हुआ किसका है? आपका सोचा हुआ है। उसमें क्या क्या प्लस माइनस है और उसके बारे में जो जो फैसिलिटीज या जो जो चीजें आप उसमें करने वाले हो प्रोजेक्ट में, बहुत आसानी से बुलेट पॉइंट्स में आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखने से लोगों को समझ में आने वाला है और सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जो प्रोसेस ड्रिवन है, इसका मतलब पहले ए वाला काम होगा, ए काम होने के बाद बी होता है, बी होने के बाद सी होता है, और इस तरीके से आपका जो भी प्रोसेस है तो वहां पर फ्लो चार्ट भी आप डाल सकते हैं। तो आपका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है बहुत आसान होना चाहिए, देखने में सुविधाजनक होना चाहिए, सामने वाला समझ जाना चाहिए। आप किसी भी लेमैन को अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिखाइएगा और पूछिएगा कि समझ में आया क्या। अगर वो बोलता नहीं तो गुस्सा मत होइए, उसको सही करिए। दूसरा पॉइंट है स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंस। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि कहाँ कहाँ पे पैसे की जरूरत आ रही है। हमारा जो प्रोजेक्ट था, हमारा मैनेजमेंट क्या है, इसका मतलब मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कितना है, किस किस फील्ड में हमारे जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने काम किया, और हमारा यूएसपी क्या है, हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में किस तरीके से पक्का सक्सेस होने वाले हैं, ये चीज़ हम लोग को ज़रूर बताना पड़ेगा। उसके बारे में पॉइंट होंगे। टेक्निकल असिस्टेंस आप क्या देने वाले हैं, क्यों आपकी ज़रूरत क्या है। अगर ये आइडिया आपने बोल दिया और उसके बाद सामने वाले ने सुन लिया तो वो भी कर जाएगा, तो फिर आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बीच में कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल नो हाउ आपने जोड़ा होगा या सिस्टम जोड़ा होगा जिसके कारण वो आपसे ही कनेक्ट रहना पड़ेगा, तब वो डील कंप्लीट होगी और आपको इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है मार्केट एंड सेल्स। मार्केट एंड सेल्स का मतलब ये होता है कि हमारे कस्टमर कौन है, हमारा मार्केट कौन से एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया क्या है, या फिर कौन से रिलीजन वाले, या फिर कौन से तबके वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले, या फिर गरीब लोग, या फिर मिडिल क्लास वाले, या फिर अपर मिडिल क्लास, या अपर क्लास वाले, ये कैसे लोग लेते हैं। उसके बाद में आपको सेल्स में क्या क्या सुविधा या असुविधा होने वाली है और उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है जिसके कारण आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा साबित हो सकता है, सेल्स करने में आसानी हो सकती है। तो फिर तीसरा पॉइंट क्या था, मार्केटिंग एंड सेल्स। चौथा पॉइंट है टेक्निकल फीजिबिलिटी, रॉ मटेरियल, रिसोर्सेस एंड एनवायरनमेंट। ये टेक्निकल फीजिबिलिटी वर्ड को एकदम स्पेशली नोट कर लीजिएगा, जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है आपको, क्योंकि टेक्निकल फीजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि टेक्निकली जो हम बोल रहे हैं वो कर सकते हैं क्या, करना कितना आसान है, उसमें रिस्क है कि नहीं है। अगर ये सर्विस ड्रिवन है तो फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स वगैरह चीज़ें आ जाती है, कहीं पे मोबाइल एप्लीकेशन आ जाता है, कहीं पे वेबसाइट के थ्रू काम होता है, कहीं पे डेटा मैनेजमेंट होते रहता है। अगर ये प्रोडक्शन है तो फिर वहाँ पे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, आप कौन से जगह पे अपना फैक्ट्री लगाने वाले हो या फिर आपका प्रोडक्शन सेंटर होने वाला है जहां पर माल आना चाहिए, माल आप जिस जगह से ला रहे हो या रॉ मटेरियल ला रहे हो वो लाने का सुविधा क्या है। पांचवा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड लोन्स पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब ये है कि कितने पैसे एग्जैक्टली जरूरत है और कैसे स्टेज में जरूरत है। इसका मतलब अगर आप बोलोगे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो, लेकिन भाई 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पहले दिन तो नहीं लगना था, हो सकता पहले दिन 1 करोड़ चाहिए, कुछ दिन बाद 10 करोड़ चाहिए, फिर 50 करोड़ चाहिए, फिर 100 करोड़ चाहिए, ऐसे करके आपको अलग अलग समय पर चाहिए। क्या उस समय के बीच में आपका काम शुरू हो जाएगा, क्या उसके समय के बीच में आपकी बुकिंग शुरू हो जाएगी, क्या उस समय के बीच में आपका इनकम शुरू हो सकता है, या फिर पूरा का पूरा जेस्टेशन पीरियड में जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या लगने वाले हैं, कौन कौन से समय में लगेंगे, उसका भी एक टाइम चार्ट अगर बना लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, सामने वाला देखकर खुश हो जाएगा अगर आप ऐसा कर लेते हो तो। उसके बाद में ये जो इन्वेस्टमेंट अगर सपोज करते हैं 500 करोड़ का है या 5 करोड़ का है तो उसमें सपोज 50% बैंक से लोन मिल सकता है, 50% मिल सकता है तो 50% की ही बाकी की जरूरत है, और हो सकता है उस लोन के लिए गारंटर की भी जरूरत पड़े। तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में गारंटर्स भी आते होंगे कि जो पैसा लेकर आए और कुछ लोग गारंटी भी प्रोवाइड करें, तो आप उस चीज को भी डाल दीजिएगा कि हमारे पास गारंटर नहीं है लेकिन गारंटर हमको इस तरीके के लोग चाहिए जिनका नेटवर्थ इतना है, जिनके पास जमीनें इतनी है, वो गारंटी देंगे तो भी हम लोग मानेंगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं कंपनी को
सपोर्ट किया है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप रिटर्न क्या देने वाले हो, जो पैसा वो लगाने वाले हैं उस पैसे पे आप इनकम कब कमाने वाले हो, इनकम कमाओगे तो निकाल के उसको कैसे देने वाले हो, किस फॉर्मेट में देने वाले हो, क्या उसको टैक्सेबल इनकम होगा या फिर आप उसको डिविडेंड के रूप में देने वाले हो या किसी और तरीके से आप उनको ऑब्लाइज करने वाले हो उनके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में, ये चीज आपको क्लियर करने की जरूरत है। ये हमारा था पांचवा पॉइंट। छठवां पॉइंट है गवर्नमेंट सपोर्ट एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसका हम लोग लाभ उठा सकते हैं। काफी सारे स्कीम तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी होती है, किसी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम निकालती है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप स्टेट में काम कर रहे हो ना, तो कई बार सेंट्रल की स्कीम्स होती है जिसको स्टेट ना यूज नहीं कर पाता, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी देखिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में बैठे हो तो महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स में जो फायदे हो सकते हैं वो तो ले लो। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कई सारे रूल्स होते हैं जिसका नॉलेज नहीं है लोगों को, आप उसको उस पर रिसर्च जरूर करिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बेनिफिट्स कई सारे होते हैं, टैक्स में बेनिफिट होते हैं, आपके सब्सिडी में होते हैं, उसको भी आप पूरा ध्यान रखिए और उस चीज़ को भी अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट में जरूर लाइए, तो उससे इन्वेस्टर खुश हो जाएगा कि आप उसके ऊपर बर्डन डालने के बजाय आपने अपनी पूरी जानकारी ऐसी बना ली है। और आप अगर ये नहीं होंगे तो किसी न किसी से आपका कनेक्शन जरूर बैठ जाएगा, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो क्यों ना मैं पहले कर दूँ, ऐसा उनके सोच आ जाएगी, राइट। सातवां और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमको शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, हमारा टाइम टेबल क्या है प्रोडक्शन तक का, और उसके बाद में हम लोग किस स्पीड से बढ़ने वाले हैं, हमारा जो पूरा साइकिल है एक 5-6 साल का पूरा साइकिल, हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट करने का सोचे जिस दिन से उस दिन से प्रोडक्शन स्टार्ट होना, और स्टार्ट होने के बाद से हम लोग किस तरीके से मार्केट पेनिट्रेट करेंगे, कितना फायदा कमाने वाले हैं, ये सारे चीज़ों का जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसका अलग अलग साल के प्रोजेक्शन और एस्टिमेट पूरा बनाकर हमको देना पड़ेगा। जब हम लोग इतनी चीज़ें बता देंगे ना, तो उसके बाद सामने वाला डिसीजन लेने के स्टेज पे आ जाएगा, वो सोच लेगा कि हम ये वाला काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और वो खुद भी ये इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बहुत क्रूशल है, आप पॉइंट टू पॉइंट जैसा मैंने बताया उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को स्पेसिफिक कुछ बड़ा डील करने की ज़रूरत है या बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की ज़रूरत है, तो मैं बता दूँ, हम पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बनाकर देते हैं। उसके अलावा अगर किसी को अपने इन्वेस्टर से कुछ मीटिंग करानी है हमारी, ताकि हम लोग उनके लिए डील कर पाएँ, तो वो भी हम लोग फॉर ऑब्वियसली प्रोफेशनल चार्जेस हम करके देते हैं, तो उसके लिए भी हमारी सर्विसेज हमेशा अवेलेबल है, लेकिन प्रोफेशनल चार्जेस हैं, फ्री सर्विसेज ओनली फॉर वीडियो है। आप जो भी कमेंट करेंगे नीचे करिए, आपको जवाब जरूर मिलने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।